बचे हुए चावलों को इस प्रकार से बनाकर खाएं बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत आसान भी है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बचे हुए चावल से एक बहुत ही अच्छी रेसिपी बताने जा रही हूँ, जिसे आप सभी बहुत ही प्यार से खाएंगे और बहुत अच्छी लगती है और बहुत सिंपल है बनाने में। तो यहाँ देखिए, मेरे पास बचा हुआ चावल है एक कटोरी के करीब, और यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज को बारीक काट लिया है। एक मेरे पास शिमला मिर्च थी तो वो भी मैंने बारीक काट लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। हल्का सा मैंने टमाटर लिया था, बारीक काट लिया है, आधा टमाटर हो गया ये। हल्का सा मैंने जीरा लिया है, हल्का सा अदरक को बारीक काट लिया है, एक से दो हरी मिर्च को मैंने बारीक काट लिया है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, चावल की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ एक कढ़ाई में मैंने एक से दो बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है, अच्छे से गर्म हो गया था। मैंने इसमें हल्का सा जीरा और हरी मिर्च डाल दी है। इसमें हम हल्का सा अदरक भी डाल देंगे, आप लहसुन भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को हल्का सा पका लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। देखिए, प्याज को हमने एक से दो मिनट पका लिया है। हल्का सा प्याज हमारा ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब हम इसमें अपना शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। अगर शिमला मिर्च आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, या आप नहीं पसंद करते हैं इसे खाना तो आप सिर्फ प्याज डाल के भी बना सकते हैं। और शिमला मिर्च को भी हल्का सा हम पका लेते हैं एक से दो मिनट। शिमला मिर्च को भी हमने यहाँ पर हल्का सा पका लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं, जैसे कि आधा चम्मच के करीब हल्दी का पाउडर, हल्का सा मैंने इसमें आधा चम्मच से हल्का कम कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप सिर्फ हल्दी डालकर भी बना सकते हैं। मिक्स कर देते हैं मसालों को, और इसी टाइम पर हम टमाटर भी डाल देते हैं। देखिए, बहुत ही सुंदर कलर आ रहा है हमारे सब्जियों का। तो यहाँ मसालों को भी हमने एक से दो मिनट पका लिया है अच्छे से। अब हम इसमें अपना चावल ऐड कर देंगे। अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ चावलों को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और अच्छे से नमक को मिला लेंगे, और इसे भी एक से दो मिनट पका लेंगे। और देखिए, बहुत ही प्यारा कलर आया है हमारे चावलों का। और आप इस प्रकार से बनाकर खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है चावल खाने में, और बहुत सिंपल भी है ये रेसिपी, तो आप ज़रूर ट्राई करें। और नमक डालने के बाद हल्का सा इस पे पानी का छींटा हम मार देंगे, इससे हमारे चावल बहुत अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएंगे और पकेंगे भी। और मसाले भी जो हैं हमारे सारे अच्छे से आपस में घुल मिल जाएंगे। देखिए, इस प्रकार से आप अच्छे से पानी का छींटा मारकर इसे मिक्स कर दें, और एक से दो मिनट हम इसे पका लेते हैं। मैंने एक से दो मिनट अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें लास्ट में गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है, और हल्का सा कुटा हुआ काली मिर्च हमने ऊपर से डाल दिया है। टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है काली मिर्च का। हमारी फ्राइड राइस बनकर बिल्कुल तैयार है, इसे हम निकाल लेते हैं। तो ये हमारे बचे हुए चावलों से फ्राइड राइस बनकर बिल्कुल तैयार है। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लें। इससे हमारी सारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। फिर आपसे मिलेंगे किसी अगली रेसिपी के साथ। तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।